हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पार्ट 2। जी हाँ, इस चैप्टर में हमें मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में पढ़ने मिलेगा। साथ ही साथ हम एनर्जी सोर्सेज के बारे में इससे पढ़ने मिलेगा, उनके कंजर्वेशन की भी हम बात करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बताने से पहले मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं कि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जी हाँ, जिसमें से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव या फिर 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है, या फिर 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह से इसमें मार्क्स अलॉटेड हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम इस चैप्टर की बात करते हैं बहुत ही डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी उन रिसोर्सेज की जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, सॉइल, लैंड, इस तरह के रिसोर्सेज की हमने बात की है। जबकि इस चैप्टर में बात करना है एग्रीकल्चर की, मिनरल्स की, साथ ही साथ पावर रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करना। तो जैसा कि आपको चैप्टर में मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एग्रीकल्चर से। जी हाँ, जिसे हम खेती बाड़ी के नाम से, एग्रीकल्चर कृषि के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी इंडिया के अबाउट 60 से लेके 65% तक के लोग आज भी क्या करते हैं, खेती करते हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है पूरी तरह से। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उस लैंड में से 11% लैंड ही क्या है, एग्रीकल्चरल है, कल्टीवेबल है। यानी 11% जमीन पर ही क्या की जा सकती है, खेती की जा सकती है। जबकि वही हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की 51% लैंड पर क्या की जाती है, खेती की जा सकती है। यानी हमारे इंडिया के पास जितनी भी जमीन है उसमें से आधे से ज़्यादा जमीन को हम क्या कर सकते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें कई जगह पर तो 1 क्रॉप ही उगाई जाती हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, 1, 2, 3, कई कई जगहों पर तो 4 क्रॉप्स भी उगा ली जाती हैं, है ना, एक साथ। तो इस तरह की एग्रीकल्चर पैटर्न हमारे कंट्री में प्रेजेंट है। हमारे कंट्री में अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग सीजन, अलग अलग तरह का जो भी टोपोग्राफी स्ट्रक्चर है, उसी के वजह से हमारे यहाँ के फार्मर जो है, हमारे यहाँ के सिटीजन पीपल जो हैं, वो एबल हैं 1 से ज़्यादा क्रॉप उगा पाने में। बहुत सारी कंट्रीज में साल भर लगभग 1 या 2 सीजन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 4 सीजन्स आते हैं, जिसके वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाते हैं। और दूसरा रीज़न ये कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड प्रेजेंट है, इससे हम ढेर सारी फसल उगा पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आगे इस चैप्टर की। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, एग्रीकल्चर का हमारे देश की इकोनॉमी में क्या सहयोग है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस बात को हम पढ़ने वाले हैं। यानी कैसे एग्रीकल्चर हमारे देश को पैसा जनरेट करने में हेल्प करता है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में इससे सवाल आ चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक बात तो आप क्लियरली समझ लीजिए इस सवाल से कि व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी से क्या पूछा जा रहा है, कि एग्रीकल्चर कैसे हमारे इकोनॉमी में पैसा जनरेट करने में हेल्प करता है। यानी देश को अमीर बनाने में, देश को मजबूत बनाने में कैसे एग्रीकल्चर हेल्प करता है, ये सवाल पूछा गया है, तो हमें यही बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, मेन, कोई भी पेशा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहा जाता है। तो अगर हमारे इंडिया में आज भी 60% लोग खेती करते हैं, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है, 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, 100 में से 60 करोड़ क्या करते हैं, खेती करते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मेन पेशा, मेन ऑक्यूपेशन कौन सी है, एग्रीकल्चर ही है। यानी इंडिया में इसे कौन सा दर्जा मिला हुआ है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन का। तो आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री, है ना। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, यानी मेन पेशा है।
चलिए हम बात करते हैं दूसरा, इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर में अनाज उगता है, ग्रेन्स उगता है, सीरियल्स उगते हैं, उसकी बहुत डिमांड है और बहुत ज्यादा उगाते हैं। हम लोग इंडिया में सिर्फ अपने खाने के लिए अनाज नहीं उगाते हैं, जो भी अनाज सीरियल्स उगते हैं, गेहूँ, चावल, पल्सेस, दाल, ये सारे चीजें हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं उगाते हैं, इवन हम जरूरत से ज्यादा उगाते हैं, यानी हम ताकि दूसरे देशों में बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके और उन देशों को भी क्या मिल सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल सके। बहुत सारे देश में एग्रीकल्चर लैंड कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है, तो हम ज्यादा है इससे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं दूसरों को, ताकि दूसरों की जरूरत पूरी हो और साथ ही साथ हमारी कंट्री को क्या मिले, रिवेन्यू, पैसा मिले। ठीक, पूरे वर्ल्ड की जो 17% पॉपुलेशन है, 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर पे, भारत की कृषि पे पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन, ये आप ध्यान रख सकते हैं। 17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मतलब बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड के 17% लोगों को खाना कहाँ से मिलता है, इंडियन एग्रीकल्चर की वजह से मिलता है, यानी हम सिर्फ ना अपने 100% के लिए उगाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के 17% और लोगों के लिए क्या उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर कितना वास्ट है और हम लोग हमारे फार्मर्स कितने मेहनत करते हैं, लेबर्स पीजेंट कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं और एग्रीकल्चर में अनाज उगाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, ना सिर्फ अपने लिए अनाज उगा सके बल्कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको भी हम फूड सप्लाई कर सकें। तो सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। दूसरी बात हमने क्या सीखा कि पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन जो है किसके ऊपर निर्भर है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। 17% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तीसरी बात, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। और तो और इंडिया में जो 2/3 पीपल हैं, यानी इंडिया में पूरी जनसंख्या में से जो 2/3 पीपल हैं, वो अपना जीवन जीने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी लाइवलीहुड के लिए, यानी रोजमर्रा की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, यानी सब इनकी कमाई, 2/3 पीपल का जो इनकम है, कमाई है, वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। यानी इंडिया के 2/3 पीपल को जॉब, इनकम कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर दे रहा है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक, डायरेक्टली मतलब क्या, आप लेबर हैं या आप खेत में जाके काम कर रहे हैं और आपको पेमेंट मिल रहा है, तो क्या हो गया, वो डायरेक्टली आपको फायदा मिल रहा है एग्रीकल्चर से। लेकिन आपका खेत है, आप दूसरों से उस खेत में काम करवा रहे हैं और फिर आपको अनाज मिल रहा है, आप उनको पेमेंट देते हैं, तो आपको कैसे फायदा मिला है, इनडायरेक्टली फायदा मिला है एग्रीकल्चर से। लेकिन टोटल मिला के, डायरेक्टली वाले और इनडायरेक्टली मिला के, इंडिया के टोटल 2/3 पॉपुलेशन, यानी 130 करोड़ में से लगभग लगभग 80-90 करोड़ लोग जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। हमारे कंट्री में उनका इनकम जो है कहाँ से आता है, सीधा सीधा एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर से आप ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ अनाज उगाना है, एग्रीकल्चर का मतलब आज बहुत ही वास्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर का मतलब आज के समय में फार्मिंग, डेयरी और साथ ही साथ जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन, है ना, जानवरों को पालना, ये सारी चीजें, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब किस में आने लग गया है आजकल, एग्रीकल्चर में आता है ना, ये सब कुछ एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है। तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ अनाज उगाना नहीं, मछली पालन, जानवरों को पालना, ये सारी चीजें किस में आती हैं, एनिमल रेयरिंग, ये सब कुछ किस में आ रहा है, एग्रीकल्चर में आ रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत ही वास्ट सेक्टर, बहुत ही बड़ा सेक्टर है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। 2/3 जो लेबर पावर है इंडिया की, वो काय में इंगेज है एग्रीकल्चर में। इंडिया की जितनी भी 2/3 लेबर पावर है, 2/3 लेबर पावर का मतलब क्या, हमारे देश में जितने भी लेबर्स हैं, हमारे देश में जितने भी वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उसमें से 2/3 लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में मजदूरी करते हैं। कोई भी देश लेबर पावर से बहुत आगे बढ़ता है, उसका लेबर पावर ही डिसाइड करता है कि उसकी इंडस्ट्री चलेगी, उसकी खेती चलेगी, उसमें कितना प्रोडक्शन होगा। तो हमारे यहाँ का 2/3 जो लेबर पावर है वो किस में डिपेंड है, एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। यानी हमारे देश के 2/3 मजदूर, 2/3 या जितने भी होंगे उसमें से 2/3 कितने क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से खेती में इंगेज्ड हैं, खेती में लगे हुए हैं। इससे आप एक बात क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारे देश को एग्रीकल्चर से कितना फायदा है, या फिर हमारे देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है ना, एग्रीकल्चर के वजह से ही हम कितना आगे बढ़े हैं और एग्रीकल्चर से ही हमारे देश की इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत, एग्रीकल्चर की बदौलत, फार्मर्स की बदौलत, उसमें इंक्लूडेड लेबर्स की मदद। तो लेबर पावर और एग्रीकल्चर से जनरेट इनकम के बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर और कौन से कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमी, कौन से तरीकों से। तो ये एग्रीकल्चर जो है न सिर्फ हमें अनाज देता है, सीरियल्स देता है, न सिर्फ हमारे लोगों को जॉब देता है, लेबर्स को इनकम देता है, बल्कि एग्रीकल्चर जो है
वो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज होंगी जिनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाएगा, यानी ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर से निकला हुआ प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि हम बता दें कोई बिस्किट कंपनी है, बिस्किट कैसे बनता है, व्हीट गेहूं से बनता है, और गेहूं कहाँ उगाया जाता है, खेत में, ठीक। और शक्कर चाहिए, शुगर कहाँ उगाया जाता है, खेत में, गन्ना, ठीक। तो बिना इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के क्या वो इंडस्ट्री चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं या किसी भी कंट्रीज में इस तरह की जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, उनको कच्चा माल प्रोवाइड करना, यानी सामान बनाने के लिए जो स्टार्टिंग का रॉ मटेरियल होता है, सामान होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या करता है, अनाज देता है, सीरियल्स देता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, हमारे कंट्री की इनकम भी यही जनरेट करता है, लेबर्स को भी जॉब यही प्रोवाइड करता है। 2/3 से ज़्यादा लोग काय में इंक्लूड है हमारे एग्रीकल्चर में, अपने इनकम कमाने के लिए इंक्लूडेड हैं, इंगेज्ड हैं। और 2/3 लेबर पावर भी हमारे देश का किस में इंगेज है? एग्रीकल्चर में इंगेज है। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है फूड? इंडियन एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है फूड। और तो और इंडिया के इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है, हमारे देश की जो कृषि है, खेती है, बहुत ज़्यादा डेवलप है और बहुत मास है। मास मतलब बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारा अनाज उगाया जाता है ताकि दूसरों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब आप बात करोगे कि इंडस्ट्रियल की, तो इंडस्ट्रीज में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कहाँ से आ रहा है रॉ मटेरियल? खेत से। तो एग्रीकल्चर बंद तो इंडस्ट्रीज बंद, इंडस्ट्रीज बंद तो वहाँ का भी इनकम बंद, यानी वहाँ के लोग भी जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, लेबर्स हैं, उनको भी जॉब प्रोवाइड करना का काम कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक। और उस इंडस्ट्री के मालिक को भी पैसा कहाँ से मिल रहा होगा? इस एग्रीकल्चर की बदौलत ही मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। पर प्रोवाइड कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बात से क्लियर होता है कि हमारे देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो यही तो हमारा टॉपिक था कि एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। फिर से हम आपको एक बार पॉइंट वाइज पॉइंट बता देते हैं कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, यानी मुख्य पेशा है, ज्यादातर लोगों का काम यही है, एग्रीकल्चर करना ही। दूसरी बात कि पूरे वर्ल्ड की जो 17% पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। पूरे दुनिया की 17% आबादी भारत के कृषि पर निर्भर करती है। तीसरी बात कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन वो काय में इंक्लूड है? एग्रीकल्चर के ऊपर इंक्लूड है, उसके ऊपर डिपेंड है। पूरे वर्ल्ड की 17% लोग तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड ही हैं। साथ ही साथ इंडिया के 2/3 जो पीपल हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। यानी इंडिया जो है बिलियंस ऑफ पीपल को क्या देता है, प्रोवाइड करता है, क्या जॉब प्रोवाइड करता है, उनकी इनकम प्रोवाइड करता है, उनको लाइवलीहुड देता है, कौन? इंडियन एग्रीकल्चर। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि इंडिया के 2/3 जो लेबर पावर है वो काहे में इंक्लूडेड है? एग्रीकल्चर में। यानी इंडिया के जो 2/3 लेबर्स हैं वो सारे अपना इनकम, अपना जीवन चलाने के लिए जो भी खर्चा निकालने के लिए जो इनकम है वो कहाँ से लेते हैं? एग्रीकल्चर से लेते हैं। यानी उनका भी ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे और इनडायरेक्टली कैसे, हम आपको बता चुके हैं इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल दे के, ठीक। और अगला पॉइंट हमारा यही है कि एग्रीकल्चर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, यानी वहाँ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो स्टार्टिंग का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर आपको बिस्किट या ब्रेड बनाना है तो आपको व्हीट और शुगर चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा? इंडस्ट्री में आएगा, वो हमारे एग्रीकल्चर से आएगा, ठीक। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर ही उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगते हैं उनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे डिवाइड किया गया? तो सीजन के बेस पे, स्टडी के बेस पे, है ना। और उस क्रॉप का हम इस्तेमाल किससे करते हैं उसके बेस पे डिवाइड किया गया है, स्पेशली सीजन और यूज के बेस पे। तो उनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। हम चार्ट वाइज एक टेबल की मदद से, फ्लो चार्ट की मदद से समझ लेंगे कि जो इंडिया में क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है। तो चलिए हम समझते हैं कि इंडिया का क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इंडिया का जो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखिए, इंडिया का क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन दो बेस पे डिवाइड किया गया है। एक तो सीजन के बेस पे है ना, अकॉर्डिंग टू सीजन। अकॉर्डिंग टू सीजन मतलब कौन कौन सा ऋतुएं आती हैं, कौन कौन से मौसम होते हैं उसके हिसाब से सीजन के बेस पे डिवीजन है।
और दूसरा जो है वो डिवीजन अकॉर्डिंग टू स्टडी, यानी स्टडी करने के, पढ़ाई करने के हिसाब से है ना, उसको ऑब्जर्व करने के हिसाब से बांटा गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सीजन के हिसाब से। अलग अलग मौसम होंगे तो अलग अलग क्रॉप्स होगी, जाहिर सी बात है। अलग अलग ऋतु में अलग अलग क्रॉप उगती है, अलग अलग सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स उगती हैं। तो उसे ही हमें पढ़ना है कि सीजन के बेस पे अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स जो होती हैं इंडिया में वो कितनी टाइप की होती है, यानी कितने भागों में बटी हैं। तो इंडिया में जो है क्रॉप्स 3 भागों में बांट दी गई हैं सीजन के हिसाब से। इस तरह से खरीफ ये पहला है टाइप, रबी और दूसरा जो टाइप है वो है जैद। ठीक, आपको ध्यान में रखना है पहला टाइप है खरीफ, दूसरा टाइप है रबी और तीसरा है जैद। तो सीजन के हिसाब से क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट में किया गया है। कौन से 3 पार्ट में? खरीफ, रबी और जैद। इनकी हम बाद में डिटेल करेंगे, और पहले अभी हम बात करते हैं स्टडी के हिसाब से। तो जिस तरह से सीजन के हिसाब से क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट में किया गया है, खरीफ, रबी और जैद, बिल्कुल वैसे ही स्टडी के हिसाब से क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2 भागों में किया गया है। कौन सा क्रॉप? एक होता है फूड क्रॉप, एक होता है फूड क्रॉप और दूसरा होता है कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप, कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब हम आपको समझाएंगे क्लियर जी पूरी तरह से। पहले आपसे डिफरेंस जो है याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है वो याद रखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन 2 बेस पे किया गया है। सबसे पहला कौन सा? अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी है दूसरा। ठीक, 2 बेस पे इंडिया में क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सवाल कि अकॉर्डिंग टू सीजन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, या फिर डिस्क्राइब या स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सीजन या फिर अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो आपको ध्यान रखना है सीजन वाइज जो क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में, खरीफ, रबी और जैद। ठीक, क्लियर है? 21 बेस पे किया गया है, सीजन के बेस पे। याद रखिएगा, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। सीजन के बेस पे वैसे याद रखिए KRZ, ऐसे याद रखिए आप KRZ। KRZ मतलब खरीफ, रबी, जैद। और ये कब कब शुरू होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसका हम बहुत आपको शॉर्टकट बताएंगे, बहुत ही टेक्निक याद रखने लायक बताएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसी टेक्निक बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। ठीक, तो KRZ याद रखिएगा, सीजन वाइज KRZ, खरीफ, रबी, जैद। और स्टडी के बेस पे फूड और कॉमर्शियल, FC। स्टडी के बेस पे आपको शॉर्टकट याद रखना है तो याद रख लीजिए FC, फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप्स। FC फूड एंड कमर्शियल क्रॉप। FC जो है बहुत फेमस फुटबॉल क्रिकेट क्लब है, जिसको फुटबॉल का बार्सिलोना का FC बार्सिलोना है ना, बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है, याद रख सकते हैं। अवश्य याद रखिएगा FC फूड और कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, याद रखना आपको। ये किसके बेस पे है? स्टडी के बेस पे। और सीजन के बेस पे कौन सा है? खरीफ, रबी और जैद। तो यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया में क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन 2 बेसिस पे किया गया है, एक सीजन के बेस पे जो कि है खरीफ, रबी और जैद, और दूसरा है स्टडी के बेस पे जो कि है फूड क्रॉप्स और कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक क्रॉप की डिटेल में, कि स्टडी के बेस पे और सीजन के बेस पे जो भी क्रॉप्स हैं उनको हम डिटेल में बात करते हैं, उनके डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स, उनके सोइंग पीरियड, उन्हें कब काटा जाता है, कब उनकी बुआई होती है ना, सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। सो लेट अस डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यही हमें पढ़ना है। जो हम जानते हैं कि सीजन वाइज क्रॉप जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। शॉर्टकट क्या बताया था मैंने? KRZ। KRZ, अब KRZ मतलब क्या? खरीफ, ठीक, खरीफ क्रॉप। उसके बाद R मतलब रबी और Z मतलब जैद। आपको ध्यान रखना है खरीफ, रबी और जैद, ये 3 क्रॉप सीजन वाइज उगाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना बड़ा आसान है। ट्रिक बताते हैं आपको, आपका स्कूल का सेशन कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई। तो खरीफ का सेशन भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होगा, जून जुलाई से। और याद रखिए हर फसल 4 महीने के लिए उगाई जाती है, 4 4 महीने। साल में कितने महीने होते हैं? 12। हर क्रॉप का 4, तो कितनी फसल उगाई जा सकती है? टोटल 3 फसल, 4 4 8 4 12। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि जब से आपका स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है तब से ये स्टार्ट होता है। तो इसका जो सोइंग पीरियड होगा, यानी इसका जो सोइंग पीरियड है, इसका जो सोइंग पीरियड है वो क्या होगा? जून जुलाई। ठीक, इसका सोइंग पीरियड क्या होगा? जून जुलाई। क्लियर है? अगर इसका सोइंग पीरियड जून जुलाई है, ठीक, तो यहां से आप 4 महीने जोड़ लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने बाद ये हार्वेस्ट होगा। ठीक, अभी 4 महीने बाद हार्वेस्ट होगा तो अगली फसल तभी लगेगी। यानी अगर खरीफ का सोइंग पीरियड क्या है? जून जुलाई है, तो रबी का सोइंग पीरियड क्या होगा? तो ये जो रबी होगा, ठीक, इसका सोइंग पीरियड क्या होगा? इसका सोइंग पीरियड होगा
उसके बाद यानी जून से 4 महीने जोड़िए आप, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने हो गए। अगला महीना क्या हो गया? अक्टूबर नवंबर। तो इसका सोइंग पीरियड क्या होता है? अक्टूबर नवंबर। याद रखिए, बड़ा आसान है याद रखना, बहुत ट्रिक है, एक नंबर ट्रिक। कौन सी? के आर जेड वाली। खरीफ रबी जैद तीन क्रॉप होते हैं। और शुरुआत कैसे होगी? के से होगी, पहले आता है कि। और कैसे शुरुआत होती है? जैसे आपका स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई में। तो बिल्कुल इस खरीफ का भी सेशन कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई में, क्योंकि जून जुलाई में ही तो बरसात होती है ना। मानसून सीजन कब होता है? जून जुलाई में होता है। उसी वक्त किसकी शुरुआत होती है? खरीफ सीजन की शुरुआत होती है। अब 4 महीने बाद फसल काटनी भी है, तो अगर इसका सोइंग पीरियड देखिए जून जुलाई है, तो इसका सोइंग पीरियड इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये काटेंगे तभी तो ये उगेगा ना। यानी कि इसका हार्वेस्टिंग, पहले वाले का हार्वेस्टिंग, दूसरे वाले का क्या होगा? सोइंग। इसको काटा, इसको गाया, अब इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? है ना, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? इसका हार्वेस्टिंग होगा अक्टूबर नवंबर में होगा, है ना। लास्ट के 2 महीने पकड़ लीजिए। इसका हार्वेस्टिंग पीरियड आप सितंबर अक्टूबर कर सकते हैं, या फिर अक्टूबर नवंबर कर सकते हैं। सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने, अक्टूबर तक। ठीक, तो ये इसका हार्वेस्टिंग है। इसका हार्वेस्टिंग इसके लिए क्या होगा? सोइंग। तो खरीफ का सोइंग पीरियड है जून जुलाई, और 4 महीने बाद इसको काट लिया जाएगा। 4 महीने बाद काट लिया जाएगा मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर अक्टूबर इसका क्या है? हार्वेस्टिंग है। तो इसका हार्वेस्टिंग मतलब इसका सोइंग, क्योंकि इसको काटेंगे तभी तो इसको उगाएंगे। तो देखिए सितंबर अक्टूबर के बाद देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर इसका क्या है? हमारा सोइंग पीरियड। अब इसका सोइंग पीरियड जो है ये अक्टूबर नवंबर है, तो इसको 4 महीने बाद काटेंगे। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने हो गए। अभी 4 महीने इसको उगा के रखेंगे, इसको काट लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ क्रॉप हमारा तीसरा कौन सा है? जैद क्रॉप, उसको हम लगा देंगे। तो आपके सामने तीनों क्रॉप्स है, खरीफ रबी और जैद। खरीफ कब शुरुआत होता है? के आर जेड, आप शॉर्टकट याद रखिएगा, के आर जेड, खरीफ रबी और जैद। ठीक है, खरीफ का सीजन कब स्टार्ट होता है? जब आपके स्कूल का सीजन स्टार्ट होता है, यानी कि जून जुलाई, 4 महीने चलेगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने हटाने के बाद नई क्रॉप लगेगी, यानी रबी क्रॉप कब लगेगी? सितंबर के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर में लगेगी। बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर लगा देंगे। फिर और 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वो 4 महीने हटा दिए, फिर क्या रहेगा? जैद क्रॉप। देखिए जैद क्रॉप जो है स्पेशली समर में उगाया जाता है, इसके लिए फिक्स मंथ नहीं है, बट समर ही है। और हमारे यहाँ समर मंथ जो आता है वो मार्च के बाद आता है, यानी कि अप्रैल मई जून या फिर मार्च अप्रैल में, इन मंथ में रहता है। तो इसी समय ये क्रॉप उगाई जाती है। जनरली इसमें हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, हरी सब्जियां उगाई जाती हैं जैद क्रॉप में, या फिर फॉडर क्रॉप्स उगाया जाता है। फॉडर मतलब चारा, जानवरों को खाए जाने के लिए चारा। गर्मी के समय में चारे की कमी हो जाती है जानवरों के लिए, इससे उनके लिए फॉडर उगाया जाता है, चारा उगाया जाता है। कौन से क्रॉप में? इस जैद क्रॉप में। तो ये हो गया हमारे खरीफ रबी और जैद। इसको हम और भी टेबल वाइज पूरी तरह से समझ लेते हैं। चलिए हम इसका फ्लो चार्ट और एक टेबल देख लेते हैं, जिससे हमें इन तीनों क्रॉप्स का सोइंग, हार्वेस्टिंग और एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीजन वाइज क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस टेबल की मदद से समझ लेते हैं। इस टेबल की मदद से आपको क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन सीजन वाइज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो चलिए सीजन वाइज तो हम पहले जान चुके हैं कि किस में डिवाइड किया गया, तीन। इसमें के आर जेड बताया था टेक्निक याद रखने को, के आर जेड मतलब खरीफ रबी और जैद। शुरुआत कहाँ से होती है? खरीफ की। खरीफ का शुरुआत जैसे आपका स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है कब? जून जुलाई। तो इसका भी सोइंग पीरियड क्या है देख लीजिए। इस टेबल की मदद से आपको पूरा देखने मिलेगा कि हमने कैसे इसको डिवाइड किया है तीन भागों में। सोइंग वाला पूरा दिया हुआ चार्ट, हार्वेस्टिंग वाला पूरा दिया हुआ है, और एग्जांपल भी दिए यहाँ पर। ठीक, तो हम सोइंग वाले कॉलम की बात कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप को कब उगाया जाता है? जून जुलाई में। कब उगाया जाता है? जून जुलाई, यानी आपके स्कूल का स्टार्टिंग सीजन होता है वो, तो उस वक्त बरसात चलते रहती है, यानी कि मानसून सीजन, मानसून सीजन का बिगिनिंग होता है वो, जो कि चल रहा है अभी। ठीक, तो ये हो गया खरीफ सीजन। ठीक, अब रबी क्रॉप कब लगाया जाता है? तो रबी क्रॉप जो लगाया जाता है वो अक्टूबर नवंबर में, दशहरा के बाद, जो एंड होता है स्प्रिंग सीजन का। ठीक है, और जैद क्रॉप कब लगाया जाता है? समर सीजन में। तो हम खरीफ क्रॉप के अगर सोइंग की बात करें, इसको लगाए कब जाता है, तो जून जुलाई, इन द स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन। ठीक, जो कि जून जुलाई मंथ है। अब खरीफ क्रॉप को काटा कब जाता है? रेडी टू हार्वेस्ट कब? हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में, जो कि एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन होता है, जस्ट दशहरा के बाद का समय होता है, उसी फसल को काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्टिंग है। और कौन से क्रॉप खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? तो यही राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं खरीफ क्रॉप में। तो आपको क्लियर हो गया होगा खरीफ क्रॉप के बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहला इसका सोइंग जून जुलाई में, ठीक, मानसून बिगिनिंग, और हार्वेस्टिंग इसका कब होता है? अक्टूबर नवंबर। कब होता है ये? स्प्रिंग सीजन का एंड होता है, यानी कि दशहरा के बाद का। और एग्जांपल राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ये होगा पूरा खरीफ के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं रबी क्रॉप के बारे में, ठीक। 4 महीने बाद जोड़ लीजिए, इसका जो एंडिंग पीरियड था हार्वेस्टिंग, ये इसका सोइंग है। देख लीजिए आप, यहाँ से क्रॉप शुरू हुई, 4 महीने हो गए, तो 4 महीने बाद ये शुरू हो गया, ठीक। तो इसका जो सोइंग पीरियड है वो क्या है, अक्टूबर नवंबर, जो जस्ट दशहरा के बाद आता है। दशहरा तक सारी फसलें कट जाती हैं और खेत को तैयार करके फिर से दशहरा में फसल लगा दी जाती है उसके बाद, ठीक। तो अक्टूबर नवंबर रबी क्रॉप का क्या है, सोइंग पीरियड है। और उसके 4 महीने बाद जोड़ लीजिए आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बाद क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग। तो मार्च अप्रैल में क्या किया जाएगा, हार्वेस्टिंग किया जाएगा। तो रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, मार्च अप्रैल, ठीक। जस्ट बिगिनिंग होता है समर सीजन का, गर्मी स्टार्ट होती है, जस्ट होली के बाद का समय होता है, ठीक। और इसके एग्जांपल वीट, ग्राम, बार्ले, जी हाँ, गेहूं, चना और बार्ले जैसी चीजें यहाँ उगाई जाती हैं। तो ये हमने बात कर ली खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जैद क्रॉप की। जैद क्रॉप देखिए, समर सीजन में उगाया जाता है जैद क्रॉप्स। अब मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून भी हो सकता है, और मार्च अप्रैल मई भी हो सकता है, मई जून भी हो सकता है ना, जितने भी समर सीजन का टाइम बच जाता है, यानी ये दो फसलें उगाने के बाद, खरीफ और रबी फसलें उगाने के बाद जो समय बचता है इन दोनों के बीच में, उसी समय को क्या कहते हैं, हमारे जैद क्रॉप कह देते हैं। और जैद क्रॉप कब उगाई जाती है, समर सीजन में, स्पेशली समर सीजन में ही उगाया जाता है। और मॉनसून आने से पहले हमें कौन सी क्रॉप लगानी पड़ती है, खरीफ। तो खरीफ लगाने से पहले ही हम जैद क्रॉप्स को काट लेते हैं, उसको हटा लेते हैं, ठीक। और इसके एग्जांपल हमें वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल उगाया जाता है, और साथ ही साथ चारा यानी कि फॉडर, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा उगाते हैं। समर सीजन में घास की, चारे की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जानवरों को, पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिलता। तो किसान क्या कहते हैं, गर्मी में खेत खाली रखने से अच्छा क्या उगा देते हैं, वो फॉडर, चारा उगा देते हैं, जिससे जानवरों को खाना भी मिल जाता है और उस खाली समय का खेत का सही उपयोग भी हो जाता है। तो इस तरह से 3 टाइप की क्रॉप्स आपके सामने प्रेजेंट है, खरीफ, रबी और जैद, जिनके हार्वेस्टिंग टाइम को और सोइंग टाइम को और एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, है ना, एक एक क्रॉप की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी। अगर आपको पूछा गया व्हाट इज खरीफ क्रॉप, आपको बताना होगा द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ जून जुलाई इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, है ना। द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन दैट इज जून जुलाई एंड रेडी टू हार्वेस्ट इन द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन विच इज अक्टूबर नवंबर, देन इट इज नोन एज खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्रॉप, खरीफ क्रॉप। अब हम बात करते हैं हमारे रबी क्रॉप के डेफिनेशन की। तो रबी क्रॉप की डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर नवंबर ड्यूरिंग दशहरा एंड रेडी टू हार्वेस्ट इन द बिफोर द बिगिनिंग ऑफ समर सीजन मार्च अप्रैल इज नोन एज रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, बार्ले, या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, बार्ले एक्सेट्रा आर ग्रोन इन रबी सीजन या रबी क्रॉप, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं जैद की। जैद क्रॉप क्या होता है, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन समर सीजन स्पेशली फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फॉडर इज नोन एज जैद क्रॉप्स। तो में क्या उगाई जाती है, जैद क्रॉप में वेजिटेबल्स और ग्रीन फॉडर उगाया जाता है। तो इस तरह से हमने क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन किया है सीजन वाइज। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी के बेस पे। सो लेट अस डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि स्टडी के बेस पे क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो फूड क्रॉप और दूसरे कैश एंड कमर्शियल क्रॉप। चलिए तो हम बात करते हैं स्टडी के बेस पे। सबसे पहला जो हमारा टाइप है स्टडी के बेस पे वो कहलाता है क्या, फूड क्रॉप, ठीक। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप। कैश एंड कमर्शियल, कैश मतलब पैसा, नगद, ठीक है, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा फूड मतलब खाना, कैश एंड कमर्शियल मतलब पैसा। कमर्शियल मतलब ट्रेड, व्यापार, बेचने के लिए, कैश मतलब पैसा कमाने के लिए। देखिए तो सिंपल डेफिनेशन दोनों के नाम है, हम आपको बताते हैं फूड क्रॉप्स के बारे में। ऐसा क्रॉप जिसका मेन उद्देश्य, जिस क्रॉप को उगाने का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें उसको खाना है, या हमारे फूड का वो मेन कंपोनेंट होता है ना। द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, जैसे कि वीट, ग्राम, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारे खाने के मुख्य भाग हैं, खाने के लिए उगाते हैं ज्यादातर, तो ये हमारे कौन से क्रॉप कहलाएंगे, फूड क्रॉप कहलाएंगे, ठीक। और दूसरा कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन और विच इज प्रोड्यूस टू फॉर कॉमर्शियल पर्पज, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स, यानी ऐसा क्रॉप जिसको हम इसलिए उगाते हैं सिर्फ ताकि उसको बेच कर हम क्या कमा सके, पैसा कमा सके। जैसे कॉटन, कॉटन हम खाने के लिए उगाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जूट, जूट हम खाने के लिए उगाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। यानी ऐसा कोई भी क्रॉप जिसे हम खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उगाते हैं, हमारा मेन मकसद, मेन पर्पज क्या होता है, उस क्रॉप को बेचना है उगने के बाद, है ना, हार्वेस्ट करने के बाद, तो हम उसे कहेंगे कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप।
डेफिनेशन क्लियर होगी, द टाइप ऑफ, क्या बोलेंगे हम इसको, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन पर्पस, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन पर्पस इज टू ऑब्टेन फूड, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन पर्पस इज ऑब्टेन फूड is known as food crop, is known as food crop बोलते हैं, ठीक। सिंपल एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें वीट, ग्राम, राई, ज्वार, बाजरा है ना, ये सब जो भी हम खाने की चीज है, या इसको आप डेफिनेशन और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, ऐसा क्रॉप जो हमारे भोजन का मुख्य भाग है, मुख्य अंश है, मेन कंपोनेंट है, जिसके बिना हमारा खाना नहीं हो सकता ना, हम खाने में दाल चावल रोटी सब्जी खाते ही हैं, तो ये तो जरूरी है ना, फूड क्रॉप में वीट, ग्राम, राइस, ज्वार, बाजरा चाहिए ही हमको, तो इनके बिना क्या होगा, हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता है। तो जो भी चीज हमारे खाने का मेन भाग है, मेन कंपोनेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य इसलिए ये होता है कि उसको उगाकर हम क्या करेंगे, भोजन के काम में लाएंगे, यानी खाने के काम में आएगा, तो कौन सा क्रॉप कहलाएगा, हमारा फूड क्रॉप कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैश एंड कमर्शियल क्रॉप की, इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी, द टाइप ऑफ क्रॉप, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट कैश, इज टू जनरेट कैश, है ना, वो क्रॉप जिसका मेन मकसद क्या होता है, कैश जनरेट करना ना, पैसा कमाना, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन पर्पस इज टू प्रोड्यूस कैश इज नोन एज कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। कैश कैसे आएगा, बेचेंगे, बेचेंगे मतलब ट्रेड, व्यापार करेंगे, कॉमर्स का मतलब ट्रेड होता है, बेचना है ना, व्यापार करना, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। तो इसमें कौन से क्रॉप्स आते हैं, कॉटन, जूट, जिनको हम खाते नहीं है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। तो यहाँ पर आपके सामने स्टडी के बेस पे क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, क्लियर हो गया है, ठीक। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो हमने क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, जी हाँ, हमने क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दो बेसिस पे, हमने क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा सीजन के बेस पे, उसके बाद फिर हमने क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा स्टडी के बेस पे। हमने पढ़ा कि सीजन के बेस पे क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप में होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैद क्रॉप, जी हाँ। उसके बाद हमने पढ़ा स्टडी के बेस पे क्रॉप कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। स्टडी के बेस पे कौन से दो टाइप के, एक फूड क्रॉप और दूसरा कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अगर हम सीजन के बेस पे जो तीनों क्रॉप्स का हमने टाइप पढ़ा, खरीफ, रबी, जैद, उसके बारे में बात करें, तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो कब लगाई जाती है, इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन, यानी कि जून जुलाई में, ठीक। और उसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, अक्टूबर नवंबर, जो कि एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन होता है, जस्ट दशहरा के बाद का समय होता है, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है इसके, हम बोल सकते हैं इसमें राइस, ज्वार, बाजरा है ना, ये सब क्या है, हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने पढ़ा रबी क्रॉप के बारे में, रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप वो क्रॉप है जो कब लगाई जाती है, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन अक्टूबर नवंबर इन द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन जस्ट आफ्टर दशहरा, है ना, एंड रेडी टू हार्वेस्ट बिफोर विच टाइम पीरियड, बिफोर समर सीजन, दैट इज मार्च अप्रैल, है ना। इस सीजन को, इस क्रॉप को, इस रबी क्रॉप को हम कब लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में दशहरा के बाद, जो कि स्प्रिंग सीजन का एंडिंग होता है। टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन आफ्टर दशहरा विच इज इन अक्टूबर नवंबर एंड रेडी टू हार्वेस्ट बिफोर समर सीजन दैट इज मार्च अप्रैल इज नोन एज रबी क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, बार्ले एक्सेट्रा। इस तरह से क्या हो गया, हमारा रबी क्रॉप हो गया। अब हम बात करें हमारे जैद क्रॉप की, तो जैद क्रॉप कौन सा क्रॉप होता है, वो क्रॉप जो किस पे कब उगाया जाता है, समर सीजन में उगाया जाता है, और इसमें क्या मुख्यतः मेनली क्या उगाया जाता है, ये तो ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फॉडर जानवरों के लिए चारा। यानी जैद क्रॉप की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है, द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज सोन इन समर सीजन एंड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फॉडर आर ग्रोन, दिस टाइप ऑफ क्रॉप इज नोन एज जैद क्रॉप। तो ये हो गया हमारा जैद क्रॉप। तो ये हमने तीनों क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, तो हमने दो पढ़े थे उसमें, कौन से दो, ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप पढ़ा था, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, फूड क्रॉप पढ़ा था। ये हमारा स्टडी के बेस पे है। तो फूड क्रॉप हम किसके कहते हैं, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर फूड, या फिर द टाइप ऑफ क्रॉप विच आर मेन कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर नोन एज फूड क्रॉप्स,
जस्ट लाइक वीट, ग्राम, बार्ले, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारे क्या है, फूड के मेन कंपोनेंट है। इसे इन्हें क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। इनके उगाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, फूड मिल सके। तो इसे क्या कहते हैं, इसे फूड क्रॉप कहते हैं। और स्टडी के बेस पे हमने जो दूसरा टाइप पढ़ा था क्रॉप का, वो था कैश एंड कमर्शियल क्रॉप। तो अभी कैश एंड कमर्शियल क्रॉप क्या होता है उसकी बात हम कर लेते हैं। कैश एंड कमर्शियल क्रॉप की डिफिनेशन कैसे दी जाती है, द टाइप ऑफ क्रॉप हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस क्रॉप फॉर कमर्शियल या फिर टू जनरेट कैश। द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज ग्रोन मेनली टू जनरेट कैश इज नोन एज कैश एंड कमर्शियल क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल जूट, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। इस तरह के क्रॉप्स को हम खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कॉमर्स करने के लिए उगाते हैं, ताकि क्या जनरेट हो, कैश जनरेट हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स का ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम अपने वीडियो लेक्चर में आने वाले अगले सेकंड पार्ट में कवरअप करेंगे। आज हमने क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, साथ ही साथ हमने एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी में, उसकी भी हमने बात की है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे। तो चलिए, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।